नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। ये जिला है दोस्तों जिसकी फाइनल जो लिस्ट है वो जारी की गई है। पोस्टिंग जो आपके ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। वो ये देखिए दोस्तों, ये रहा इसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी है। पदस्थापन, ये रहा आपका पदस्थापित जो स्थान है आपका, और जो BCMO है वो इस प्रकार से है आपका। यहाँ आपका नाम दिया गया, फादर्स नेम दिया गया है। ज़िले की अगर बात करें तो ये देखिए दोस्तों, प्रतापगढ़ ज़िले का अपडेट है। प्रतापगढ़ ज़िले का अपडेट है कोविड स्वास्थ्य सहायक की पदस्थापन सूची। ठीक है दोस्तों, अब पूरी जानकारी देख लेते हैं कब क्या आपको क्या करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई गई है। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से है पूरी जानकारी। दस्तावेज सत्यापन के बाद जिला स्तर पर गठित चयन समिति ने योग्य पाए जाने वाले स्थानीय एवं TSP क्षेत्रों का मनोनयन पूर्णतया मेरिट के आधार पर अस्थायी चयन किया गया है। चयन एवं नियोजन पूर्णतया अस्थायी रूप से दिनांक 31/7/2021 तक नागरिक सुरक्षा विभाग की भांति किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग जयपुर के पंजीयन को जयपुर के पत्रांक 441 दिनांक 4/6/2021 की पालना में 30/6/2021 तक पंजीयन करवाकर आहरण वितरण अधिकारी को आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा कोविड स्वास्थ्य सहायक हेतु न्यूनतम योग्यता नर्स श्रेणी द्वितीय JNM BSc नर्सिंग RNC से पंजीयन होना आवश्यक है। चयन का जो आधार है वही रहेगा मेरिट के हिसाब से। स्थानीय जो अभ्यर्थी उनको वरीयता दी जाएगी। 7,900 रुपये आपका वेतन रहेगा। इसके अलावा ये देखिए दोस्तों, 8 नंबर का है, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी समस्त जिला प्रतापगढ़ को देखकर लेख है कि आपके अधीन नियोजित कोविड स्वास्थ्य सहायकों को शहरी क्षेत्र हेतु प्रति वार्ड 2 कोविड स्वास्थ्य सहायकों का नियोजन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर ऑक्सीजन मॉनिटर एंड कॉन्ट्रैक्ट टाइप CSC PCC ग्राम पंचायतों में COVID-19 के बारे में गांव की जनता शहरी क्षेत्र को संक्रमण के बारे में घर घर जाकर के आपको जागरूक करना होगा। ये आपका कार्य रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरी जानकारी। समस्त चयनित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जन्मतिथि सत्यापन हेतु 10वीं की अंक तालिका, प्रमाण पत्र, RNC रजिस्ट्रेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन, दस्तावेज फर्जी नहीं होने संबंधी समस्त शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र के साथ संबंधित खंड कार्यालय में आपको देना सुनिश्चित करें। 29 तारीख तक आपको कार्य ग्रहण करना होगा। उसके बाद में कार्य ग्रहण करने वालों पर विचार नहीं किया जाएगा। डॉक्टर VD मीना, प्रतापगढ़ मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से 29 तारीख तक का आपको समय दिया गया है कार्य ग्रहण करने को लेकर के। जनरल की जो लिस्ट है, ये है जनरल की लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो, और ये अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों की लिस्ट है। जनरल की टोटल की बात करें तो 227 अभ्यर्थी है जनरल में, और ये है अनुसूचित जनजाति। सभी कैटेगरी का अलग अलग डिवाइडेड इसमें किया गया है। आपका जहाँ भी नाम हो आप ज़रूर देख ले। तो दोस्तों, ये प्रतापगढ़ ज़िले का अपडेट था। आपको समय दिया गया है 29/6 तक आप अपना कार्य ग्रहण अवश्य कर ले, उसके बाद में विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे ही अन्य ज़िलों से संबंधित कोई जानकारी होगी तो हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।